नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, बोले सोचा ही नहीं था इस एक्सप्रेसवे पर विमान से उतरूंगा। 17 नवंबर से दोबारा खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर, अमित शाह ने कहा बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं को होगा फायदा। पंजाब के बाद अब बंगाल ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, जमकर हुआ हंगामा। सीबीआई ने इंटरनेट पर बाल यौन उत्पीड़न सामग्री के प्रसार के मामले में 14 राज्यों में की छापेमारी, 83 लोगों पर दर्ज है केस। भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी, 21 नवंबर को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। एक महीने बाद सार्वजनिक रूप से नजर आए किम जोंग उन, चीन की सीमा के पास विकास परियोजना का किया निरीक्षण। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की वर्चुअल मीटिंग, शी ने बाइडेन से कहा दोनों देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मुनाफा वसूली के चलते गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 तो निफ्टी 110 अंक फिसला। ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली का बड़ा बयान, कहा एशेज में चयन के लिए टी20 विश्व कप के प्रदर्शन को तरजीह नहीं मिलेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ सकती है मुसीबत, मुंबई पुलिस को 3 और चीटिंग की शिकायत मिली। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।